उलमा नवाज थे और उलमाओं की कदर भी करते थे। शुक्रवार दोपहर में हसन साहिल का निधन हो गया। हसन साहिल का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। मुंब्रा के रहने वाले सैयद हसन इस्माइल साहिल, उम्र 52 साल, जो साहिल होटल के मालिक हैं, शुक्रवार दोपहर में हसन साहिल का निधन हो गया है। दरअसल हसन साहिल को किडनी और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, जिसका इलाज भी चल रहा था, मगर निमोनिया की अचानक शिकायत पर 9 जून को उन्हें थाने के जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद हसन साहिल का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, जिसमें हसन साहिल पॉजिटिव पाए गए। 11 जून को कलवा के सफायर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। यहां वेंटिलेटर पर भी रखा गया, मगर हसन साहिल की शुक्रवार की दोपहर में ही निधन हो गया। हसन साहिल जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी के मुंब्रा कौसा के खजांची भी थे, साथ ही दारुल फला नदुल फला के ट्रस्ट में भी शामिल थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने बताया कि हसन साहिल दीनी इदारे के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसके अलावा रमजान महीने में चंदा वसूलने आने वाले लोगों को भी खाना खिलाने का बंदोबस्त करते थे। उलमा नवाज थे और उलमाओं की कदर भी करते थे। गरीब मजदूरों को बंद मुट्ठी उन्हें राशन पानी देकर उनकी मदद किया करते थे, मगर इनके निधन से शोक का माहौल है। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में मुंब्रा शहर के कई ऐसे समाज सेवक हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए और उनका निधन हो गया, जैसे कि इकबाल काजी, फारूक काजी, मतीन नवरंगे और अब हसन साहिल। इन लोगों की मौत से मुंब्रा कौसा के लोगों में काफ़ी दुख है और इन लोगों ने मुंब्रा कौसा की जनता के लिए जो खिदमत की है उन्हें जनता हमेशा याद रखेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।